नमस्कार, मैं शिवम प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। खबर गया से है, जहां पर गया के आईएमए हॉल में इनकलाबी युवा मंच के माध्यम से आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर शिक्षा के गिरते स्तर पर बात की गई। तमाम मसलों पर छात्रों ने अपनी अपनी राय रखी। साथ ही उन्होंने ये कहा कि बदलते वक्त के साथ शिक्षा के स्तर में बड़ी गिरावट देखी जा रही है, जिस पर सरकार को सोचने की जरूरत है। और इस मसले पर छात्रों का क्या कहना है वो भी सुनिए। जैसा कि आपने कहा कि सरकार में विपक्ष भी है, विपक्ष भी इस बात को उठा सकती है, लेकिन विपक्ष से आने से पहले वो भी सरकार में रह चुके हैं। और शिक्षा व्यवस्था एक दो दिन का खेल नहीं है, जो खराब है, निरस्त है। ये शिक्षा व्यवस्था 1947 से अब तक वही सिस्टम है। और पिछले कई वर्षों से, जैसे हमारे बिहार नालंदा विश्वविद्यालय के लिए जाना जाता है, यहां से शिक्षा के सूत्रधार रखी जाती थी, विदेशों से लोग पढ़ने आते थे यहां। इस धरती पे एक समय था कि मगध की धरती पूरे देश पे शासन किया करती थी। इस वह शिक्षा के विश्व गुरु माने जाते हैं, भारत विश्व गुरु माना जाता है। लेकिन लोग जब राजनीति में आने से पहले जब होता है, तो उन लोग शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, रोजगार को लेके बहुत सारी बातें लोगों के बीच में करते हैं, लेकिन सिस्टम में आने के बाद वो भी सिस्टम का चादर ओढ़कर सिस्टम में विलुप्त हो जाते हैं। और जिस तरह से पहले सरकारें चला रही थी, उसी तरह का सरकारें चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम लोग दल, पार्टी, जाति, धर्म से ऊपर उठकर इस काम को करने का कोशिश करेंगे, राजनीति से ऊपर उठकर काम करने का कोशिश करेंगे, लोगों के बीच में क्रांति लाने का प्रयास करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, बिहार के जितने भी दर्शक आपके माध्यम से देख रहे हूं, मैं उन सबको अपना क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं। और इस मुहिम में आगे जुड़ने के लिए मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आज मेरा हम लोग युवा साथियों का कार्यक्रम था, इनकलाबी युवा सम्मेलन, युवा जन संवाद रखे थे। जो बिहार की सिस्टम जो बीमार हो चुकी है, करप्ट हो चुकी है, बिहार की सत्ता पर शासन करने के लिए जो सरकार, बिहार सरकार जात धर्म और पार्टी की राजनीति कर पूरे बिहार के युवाओं के भविष्य को चौपट कर दी है, अंधकार में डाल दिया है, उसके लिए आज हम बिहार के अनेकों जिलों से, अनेकों राज्य प्रखंड से युवाओं को एकत्रित किए थे यहाँ पे। और हम सभी युवा मिलकर जात पात और धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर बिहार सरकार को एक जगाने का काम किया। जिस तरह से वीर भगत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम छेड़ा था, उस तरीके से आज पूरे बिहार की तमाम युवा साथियों को हमने यहाँ एकत्रित करके बिहार सरकार को एक संदेश देने का काम कर रहे हैं कि अब बिहार की युवा जाग चुकी है। बिहार के युवाओं को अब आप जाति धर्म और पार्टी की राजनीति कर वंचित नहीं कर सकते हैं। बिहार की युवा सबसे ज्यादा ही परेशान है इस कुशासन से, बीमार सिस्टम से, लाचार से। आपको बताते चलें कि इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए जहानाबाद के पूर्व सांसद भी पहुंचे हुए थे, जिन्होंने छात्रों से रूबरू हुए। उन्होंने ये भी कहा कि छात्र जो है, उनके भविष्य की चिंता सरकार को होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से शिक्षा के प्रणालियों में बदलाव किए जाते हैं, आए दिन बदलाव से छात्रों को बेहद परेशानियां उठानी पड़ती है, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है। छात्र के भविष्य की चिंता होनी चाहिए, अगर इस मसले पर सोचा नहीं गया तो आने वाले वक्त में छात्रों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। यानी कि इस पूरे मसले पर छात्रों का एक ही बात कहना था कि जो शिक्षा नीति है उसमें सुधार होनी चाहिए, सरकार को इस ओर काम करना चाहिए जिससे कि उनके भविष्य सुरक्षित रह सके। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एक न्यूज 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।